विराजमान चतुर्थ परमेश जी और पंचम परमेश जी भगवान के चरणों में आप सभी भक्तों की उपस्थिति और राजा नाभी राय की भी साक्षात उपस्थिति, अमेरिका से पधारी मेरी छोटी बहन निधि और यहीं पे निवास करती मेरी बेटी ममता, इतने सारे भक्तगण, कितना सुंदर नजारा लग रहा है। पहले कभी लगा था ऐसा नजारा? अगर महाराष्ट्र नहीं आते थे सिलेक्शन में तो आप बड़ा साधारण रूप से करते चले जाते थे, क्यों प्रेम जी, है ना? फिर आकांक्षा कैसे तैयारी करती इतने सारे कार्यक्रमों में? तब कहने का मन करता है कि विशोक सागर जी आई तो देखो कैसा लगा नजारा है, अरे इन चरणों में आकर ही तो मिलता हमें सहारा है। महावीर को इन आंखों से हमने तो देखा नहीं, इन्हें देखकर लगता जैसे हमने उन्हें निहारा है। और एक बात कहना चाहता हूं कि तब त्याग और संयम पथ का चमचम करता तारा है, सागर से भी गहरा सागर विशोक सागर निहारा है। अरे सागर से विशोक सागर की तुलना ही बेमानी है, ये ममता के मीठे सागर वो सागर तो खारा है। ये ममता के मीठे सागर है, ममता जहां जहां जिन चरणों में दीपक प्रज्वलित रहे वो ममता। आदरणीय पंडित पंकज शास्त्री जी का नेतृत्व है और आपके भक्ति के सपने को पूरा करने के लिए सपना भी इंदौर से बढ़ा रही है, इन दोनों का भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखिए जैसे कि पिछली बार भी हम आए थे शरद भाई साहब और मैं, गुरुदेव के सानिध्य में क्षमावाणी कार्यक्रम बनाने का मन है, इस बार तय हो चुका है। जो पहले क्षमावाणी में महावीर की मनाया करते थे दिगंबर जैन महासभा के द्वारा, एक ही महावीर जयंती 25 मंदिरों की, एक ही क्षमावाणी 25 मंदिरों की मना करती थी, 5-6 साल के अंतराल के बाद वो पुनः शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना काल में कुछ कारण रहे जो वो नहीं हो पाई, अब क्योंकि गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं तो लगा कि ये कार्यक्रम नई ऊंचाइयों के साथ पुनः शुरू करें। और ये कार्यक्रम 22 तारीख को दोपहर में 1 बजे से जापानी पार्क में सेठ सावरिया एसी टेंट, फुल्ली एसी टेंट के अंदर होने जा रहा है। आचार्य प्रख सागर जी महाराज का मंगल आगमन इस कार्यक्रम के लिए हो चुका है, प्रशांत विहार में विराजमान है आचार्य प्रख सागर जी महाराज, जो हमारे विशोक सागर जी के गुरु भ्राता भी हैं और उपाध्याय विशोक सागर जी महाराज की भी पावन उपस्थिति, विनिबोध सागर जी की पावन उपस्थिति वहाँ रहेगी। सेक्टर 3 में सरस्वती भूषण माता जी विराजमान है, उनकी उपस्थिति वहाँ रहेगी। और सेक्टर 24 में शुभमती माता जी चुल्लिका जी और सुमंगलमती माता जी चुल्लिका जी वहाँ हैं, उनको भी सबको वहाँ पर पहुँचना है, सबकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो आप लोग भी उसमें सह परिवार अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, जैसा पहले करा जाता था 3 या 3 से अधिक व्रत करने वालों को उसमें सम्मानित करते हैं। पुरुष हो, बच्चे हो, स्त्री हो, सभी का सम्मान होता है वहाँ पे। गुरुदेव उपस्थित रहेंगे, पुरुषों का सम्मान गुरुदेव के द्वारा और महिलाओं का सम्मान माता जी के द्वारा करवाया जाएगा। और 1 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम, 5 बजे सब लोग वहाँ प्रीति भोज करेंगे। आप लोगों से निवेदन ये है कि 3 और 3 से अधिक व्रत करने वाले अपनी लिस्ट प्रेम जी को दे दें, ललित जी को दे दें, मनीष को दे दें, नाम अपने अनंत चतुर्दश तक पहुँचा दें। अनंत चतुर्दशी तक ये तय हो जाएगा कि किसने कितने व्रत करे हैं, तो लिस्ट पहुँचा दें ताकि 22 तारीख की व्यवस्थाएं सबको पुरस्कार देने की सुचारू रूप से जुटाई कर सकें। दूसरी बात यह है कि महासभा पूरे 25 मंदिरों का नेतृत्व करती है और एक कार्यक्रम करते हैं, तो मन ये है कि बहुत सारे अब लोग पुराने महाराष्ट्र दिखाई भी नहीं देते, हम अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, पुराने लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, नए परिवार बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो आप सब लोग नए हो या पुराने, जो मेंबर नहीं बने हो महासभा के वो मेंबर बने। 2100 रुपये आजीवन सदस्यता है, केवल एक बार जीवन में 2100 रुपये देने हैं। दान आप जब आपका जी चाहे जब दो, किसी भी रूप में दो, महासभा की सदस्यता के लिए 2100 रुपये केवल एक बार देने हैं।
उसमें महिला पुरुष 18 साल से बड़ा कोई भी मेंबर बन सकता है, और जो महासभा का मेंबर होता है वही एक हम कमेटी जो बनाते हैं हर साल उसमें वही महिला मंडल होता है जो महिलाएं मेंबर होते हैं। 25 मंदिरों की जो जो महिलाएं मेंबर हैं गुरुदेव उन्हीं में से चुन के जो एक्टिव महिलाएं होती हैं जिसका जहां रुचि हो उसको उस कमेटी में लेते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं या कोई और अन्य गतिविधियां होती हैं गुरुदेव वो वही महिला मंडल करता है। महासभा का महिला मंडल क्षेत्रीय महिलाओं से चुना हुआ महिला मंडल सारे काम करता है, कोई दूसरे मतलब पेट नाटक वाले कलाकार वगैरह नहीं बुलाते। विद्वान आते हैं, प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य आते हैं, संगीतकार आते हैं, लेकिन कलाकारों के रूप में हमारा पूरा समाज होता है। तो आप लोग उसमें मेंबर बने, सभी लोग बने, देवेंद्र जी सब लोगों को जोड़ना चाहिए, ललित भाई उसमें जो लोग नहीं बने हैं वो बने, है ना। और उसकी एक डायरेक्टर निकालने जा रहे हैं हम जब सारे मेंबर बन जाएंगे। महाराज जी आपके आशीर्वाद से भावना ये भाई है कि 2550वां निर्वाण महोत्सव समापन की ओर है, कम से कम 2550 मेंबर तो बनने चाहिए हम सब। यदि गुरुदेव ने भी अपनी स्वीकृति दी है बड़ी खुशी की बात है, और ये टारगेट हमारा पूरा होगा। जब शरद भाई साहब ने ठाना है और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई बात नहीं है, तो 2550 मेंबर बने। उनकी एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी में सभी मेंबरों की फोटो पूरा डिटेल फोन नंबर एड्रेस परिवार की डिटेल काम की डिटेल, उससे बहुत सारे समस्याओं का हल मिलेगा। उसको किसी के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है, किसी के रिश्ते ढूंढने हैं, कुछ और काम करना है, पूरी डायरेक्टरी हर घर में 2550 घरों में पहुँचनी चाहिए। वो डायरेक्टरी हम प्रिंट करेंगे और वो डायरेक्टली वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, लेकिन वेबसाइट पे सब लोग नहीं देख पाते, सबको खोलने नहीं आती, तो उसको हम प्रिंट भी निकालेंगे। गुरु जी ऐसी प्लानिंग करी है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। सहयोग ये कि मेंबर अधिक से अधिक बने, गुरुदेव को लेके पंडाल में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, भव्य जुलूस के रूप में गुरुदेव की अगवानी हो, और फार्म ललित जी के पास छोड़ दें, मेंबरशिप के फार्म ललित जी से ले लें, खत्म हो जाए तो पैसे में से और मंगा देना, मैं तो आता रहता हूँ, है ना। अधिक से अधिक मेंबर जहाँ गुरुओं के चातुर्मास है वहाँ सबसे अधिक मेंबर आने चाहिए, है ना। ये सब आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, हम लोग व्यक्तिगत रूप से हर साल इसीलिए आते हैं कि कार्ड वगैरह